वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करेंगे, आज है 10 अक्टूबर, ठीक है। तो 10 अक्टूबर को जितने भी करंट के क्वेश्चंस बने हैं सभी हम लेके आए हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो आपके एग्जाम में बेटा करंट का सेशन और करंट अफेयर के क्वेश्चन और स्ट्रेटजी के काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और उनसे रिलेट करता हुआ सारा का सारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। आजकल क्वेश्चन का जो पैटर्न हो गया बेटा वो अलग हो गया पूरा का पूरा। पहले हम मेन मेन अपने सब्जेक्ट करते थे, पहले हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये मेन मेन हमारे जो चैप्टर्स हैं, जो मेन मेन अपने जो सब्जेक्ट हैं उनके मेन मेन चैप्टर हम कर लेते थे। लेकिन आजकल बेटा करंट से रिलेट करता हुआ इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो करंट से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा विद स्टैटिक जीके, ठीक है। तो बेटा जैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें क्लास लेनी पड़ेगी, ओके। सभी क्वेश्चंस को बेटा नोट करते हुए आपको चलना है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। हाल ही में भारत की यात्रा पर आई सामिया सुलूहू किस देश की राष्ट्रपति हैं? सामिया सुलूहू हसन इज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री हु इज विजिटिंग इंडिया? जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो बेटा, ये सामिया सुलूहू हैं, ठीक है। कौन से देश की राष्ट्रपति हैं बेटा ये? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी तंजानिया, ऑप्शन डी मोरक्को। तो बेटा ये कौन से देश की हैं? ये हैं बेटा तंजानिया की, ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। और इनको बुलावा दिया था किसने, इनवाइट किया है बेटा द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इनवाइट किया है तंजानिया की राष्ट्रपति को सामिया सुलूहू को, जो कि अभी 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर यहां पर रही, 8 से 10 अक्टूबर तक भारत में ये रही हैं, ठीक है ना। सामिया सुलूहू तंजानिया, बेटा तंजानिया एक ऐसा देश है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। कौन से महाद्वीप में बेटा ये? अफ्रीका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है बेटा तंजानिया। तंजानिया की मैं राजधानी की बात करूं आपको तो आप क्या बताओगे? डोडोमा, डोडोमा, डोडोमा यहां की राजधानी है, कैपिटल है तंजानिया की। और यहां की करेंसी क्या है? तंजानिया शिलिंग, तंजानिया, तंजानिया शिलिंग, ये यहां की बेटा करेंसी तंजानिया सिलिंग, ओके। तंजानिया बेटा बहुत ही एक ऐसा एक गरीब देश बताया जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है ना। काफी गरीबी में है अफ्रीका में। देखो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है बेटा जिसको हम डार्क कॉन्टिनेंट, अंध महाद्वीप जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि वो एजुकेशन में, सोसाइटी में, अपने कल्चर में, इन सब में बाकी सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप है अफ्रीका, इसलिए उसको अंध महाद्वीप नाम कहा दिया जाता है। अफ्रीका बेटा इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों लाइन पास आउट होती हैं, इक्वेटर लाइन, सुनिए ध्यान से, इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन लाइन, तीनों की तीनों लाइन अफ्रीका से ही गुजरती हैं बस, और किसी भी महाद्वीप से ऐसी तीनों लाइनें पास नहीं होती। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं और किसी भी महाद्वीप से तीनों की तीनों एक साथ नहीं गुजरती, ओके। अफ्रीका के अंदर दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, नाइल रिवर। दुनिया की सबसे लंबी नदी बेटा 6650 किलोमीटर लेंथ है। दुनिया का सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट है बेटा जो कि अफ्रीका में है, 11 देशों में। सहारा डेजर्ट इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, डिवाइडेड इंटू 11 कंट्री, 11 देशों में फैला हुआ बेटा अफ्रीका में सहारा डेजर्ट, ठीक है। अफ्रीका के अंदर लॉन्गेस्ट रेलवे है बेटा केप काहिरा, केप काहिरा, काहिरा को काइरो भी बोल देते हैं बेटा। ये काइरो या काहिरा ये कैपिटल है किसकी? इजिप्ट की, यानी मिस्र की। और कैपटाउन कैपिटल है बेटा किसकी? साउथ अफ्रीका की। तो बेटा साउथ अफ्रीका से स्टार्ट होके, कैपटाउन से स्टार्ट होके काइरो तक या काहिरा तक जाता है इजिप्ट के लॉन्गेस्ट रेलवे ऑफ अफ्रीका, केप टू, केपटाउन टू काहिरा, इसलिए इसका नाम रखा गया है केप काहिरा, ओके। तो बेटा ये थे इसके स्टैटिक पॉइंट और क्वेश्चन का आंसर है तंजानिया। तंजानिया की राष्ट्रपति 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर भारत में आई हुई थी अभी, सामिया सुलूहू, जिसको इनवाइट किया था किसने? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको इनवाइट किया गया था, ओके। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा, तंजानिया की करेंसी है तंजानिया सिलिंग, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाल ही में 2023 नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? देखो बेटा ये सबको मालूम है, अभी नोबेल प्राइज का जो टाइमिंग है वो चला हुआ, अक्टूबर में इनके नाम की घोषणा होती है, दिए जाते हैं 10 दिसंबर को।
नोबेल प्राइज की घोषणा बेटा ये कब बताए जाते हैं कि कौन सा किसको मिलेगा, अक्टूबर में, लेकिन दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, ठीक है। तो बेटा नोबेल प्राइज ये अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज है, इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज है बेटा, जो कि सबसे लास्ट में जोड़ा गया है ना। नोबेल प्राइज पहले कितनी फील्ड में दिए जाते थे, 5 फील्ड में। और पहला अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज कब दिया गया बेटा, इन 1969। पहला अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 1969 में दिया गया बेटा। भारत में किसको मिला है अभी तक, अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को भारत का पहला, ये भारत में पहले आदमी जिनको नोबेल प्राइज, किसका नोबेल प्राइज, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन को दिया गया था बेटा। ओके, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 2023 में नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए चुना गया बेटा क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन को बेटा, ये क्लाउडिया गोल्डिन है कौन, ये बेटा अमेरिका की प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर बेटा प्रोफेसर हैं अमेरिका के अंदर, कौन, क्लाउडिया गोल्डिन। क्या किया इन्होंने ऐसा बेटा, इन्होंने महिला लेबर मार्केट में महिलाओं के लिए आवाज उठाई बेटा। लेबर मार्केट में जो कामकाजी महिला है या किसी भी फील्ड में जो भी कामकाज में होता है अपना किसी भी क्षेत्र में, उसमें महिलाओं के लिए आवाज उठाई है ना। पिछले 200 साल का रिसर्च किया है इस लेडी ने, पिछले 200 साल का रिसर्च करके स्टडी करके पता लगाया है और इसने बताया कि जेंडर गैप काफी ज्यादा है और इसको हम कैसे अपने फायदे में बदल सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या आगे हम अपने प्लान कर सकते हैं जिससे हमें लाभ उठा सकते हैं, महिलाओं के लिए भी अच्छा होगा और देशों के लिए भी अच्छा होगा। ये चीज जो ओलंपिक जो अपनी सॉरी जो नोबेल प्राइज जो कमेटी होती है उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इनका नाम किया सामने, क्लाउडिया गोल्डिन, ठीक है। ये 200 साल का इन्होंने स्टडी किया, लास्ट 200 ईयर्स का जो स्टडी करके इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला है कि जो लेबर मार्केट है वहां पर महिलाओं का योगदान कम है, जेंडर गैप ज्यादा है ना, तो उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है अच्छे तरीके से उस चीज को समझाने के लिए। अगर वो चीज होती तो इतना नुकसान नहीं होता, आगे भी अगर इस चीज को हम कर लेते हैं, जेंडर गैप इतना ज्यादा नहीं रखते हैं, तो उसके बेनिफिट हमें क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसी चीज के लिए क्लाउडिया गोल्डिन को अभी हाल ही में 2023 का जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार है उसके लिए चुना गया है, ठीक है। मिलेगा कब, 10 दिसंबर को, ठीक है। बात मैं करता हूं, देखिए बेटा पहले 5 क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिए जाते थे, कौन कौन से, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में और पीस में, ठीक है। ये पांचों के पांचों दिए जाते थे, कहां से, स्वीडन से, सॉरी, इसका जो शांति का पीस का जो नोबेल प्राइज है वो ओस्लो नॉर्वे से दिया जाता था। बाकी 4 दिए जाते थे कहां से बेटा, स्वीडन से। अभी एक और जो फर्स्ट टाइम दिया गया 1969 में, जो कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज है, ये पहली बार 1969 में दिया गया, स्वीडन से दिया जाता है बेटा। ये भी एक इकलौता जो नॉर्वे ओस्लो से दिया जाता है वो बेटा पीस का है, ठीक है, पीस का। सभी के सभी नोबेल प्राइज जो है बेटा ये इनकी शुरुआत हो गई थी 1901 से, लेकिन अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज है उसकी शुरुआत कब हुई बेटा, 1969 से। ओके, भारत में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज बेटा मिला है अमर्त्य सेन को। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लंदन से अस्थायी रूप से वाघ नख नामक ऐतिहासिक हथियार किस राज्य सरकार द्वारा लाया है, ये लाया गया बेटा अभी कुछ समय के लिए, लेकिन ये ऐतिहासिक जो हथियार है बेटा अस्थायी टेम्परेरी रूप से ला के लेके आए हैं, टेम्परेरी रूप से वापस देना पड़ेगा, ठीक है। लंदन से लेके आए हैं और कौन सी सरकार लेके आई, महाराष्ट्र सरकार बेटा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको लेके आई है। अभी देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ये पंजा है और ऊपर ये दो गोल गोल इसमें अंगूठी जैसे बने हुए हैं, ये इसमें उंगलियां फंसाते हैं, इसमें एक उंगली फर्स्ट की और लास्ट की इसमें है, ठीक है, और ये अपने हाथ के नीचे एक पंजा हो जाता है। ये हथियार किसका था बेटा, ये हथियार था महाराजा शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी। ये बहुत बड़ा हथियार उस टाइम का बताया जाता है बेटा छत्रपति शिवाजी का। जब छत्रपति शिवाजी ने अपनी रक्षा की थी इसी हथियार के जरिए, जब हुआ क्या था बेटा, जो आदिल जो एक मुस्लिम वंश था, आदिल राजशाही,
आदिल राजशाही जो वंश था बेटा, उसी का एक आदमी था अफजल खान, अफजल खान। तो अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को वो गले लगाते हैं और धोखे से चाकू निकालकर उनके पीठ में चाकू घोंपना चाहते हैं, जिससे शिवाजी ने इसी हथियार से अपनी रक्षा की थी बेटा। ये है कौन सा हथियार, इसको क्या बोलते हैं, है ना, वाघ नख। ये वाघ नख इसलिए बोलते हैं बेटा, ये जो पंजे का निशान, ये बाघ के जैसे हैं, ठीक है, वाघ के जैसे हैं, टाइगर के जैसे हैं। और नख मतलब ये जो अंगूठी रिंग जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इनको उंगलियों में पहनते हैं और ये अपना पंजा बन जाता है, पूरा जबरदस्त हथियार है बेटा, ठीक है। तो इससे अफजल खान से अपनी रक्षा की थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। अफजल खान कौन थे, आदिल राजशाही के एक जो कि आदमी है अफजल खान, उनको मार दिया, मार गिराया था बाद में, ठीक है ना। तो इससे पहले अपनी रक्षा की, तो ठीक है। तो मैं थोड़ा शिवाजी के बारे में डिस्कस कर लूँ बेटा, देखो थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं हिस्ट्री से जोड़ता हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए बेटा। थोड़ा सा शिवाजी के बारे में मैं थोड़ा सा इतिहास आपको यहाँ पर बताऊँगा। छत्रपति शिवाजी बेटा, छत्रपति शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ, मृत्यु 1680 में हो गई। इनके फादर का नाम क्या था बेटा, शाहजी भोंसले। माता जी का नाम क्या था बेटा, जीजाबाई। माता जी का नाम बेटा जीजाबाई। बेटे का नाम क्या था बेटा, छत्रपति शिवाजी के बेटे का नाम था शंभाजी, ठीक है। छत्रपति शिवाजी एक ऐसे राजा हुए जिनका दो बार कोरोनेशन हुआ, टू टाइम कोरोनेशन। कोरोनेशन बोले तो राज्याभिषेक दो बार हुआ था, एक बार 1656 में रायगढ़ में, किधर, रायगढ़ में, और एक बार 1674 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे श्री गंगा भट्ट के द्वारा, ये वाराणसी में रहते थे श्री गंगा भट्ट, बहुत विद्वान, उनके थ्रू ये राज्याभिषेक दूसरी बार कराया गया था इन 1674 में, राज्य अभिषेक, ठीक है। दो बार शिवाजी का हुआ बेटा। अब थोड़ा सा मैं और बता रहा हूँ, इन सबको नोट करना है आपको, सुनिए। जो छत्रपति शिवाजी हैं उनके बीच और जयसिंह के बीच में बेटा पुरंदर की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665 बिटवीन शिवाजी और जयसिंह, है ना। तो ये पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी बेटा। जयसिंह ने कुछ संधियां, कुछ शर्तें शिवाजी पर लगा दी थी, क्योंकि जयसिंह के पास बहुत बड़ी सेना थी, औरंगजेब की सेना थी उसके पास, औरंगजेब का एक तरह से चमचा था जयसिंह, है ना। तो शिवाजी इस युद्ध में हार जाते, इसलिए पुरंदर की संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत शिवाजी को जब भी औरंगजेब बुलाएंगे उसके दरबार में जाना पड़ेगा, और शिवाजी के कंट्रोल वाले जो भी फोर्ट हैं, जो किले हैं जहां से टैक्स वसूलता था, वो अब औरंगजेब के हाथ में चले गए थे। ये थी पुरंदर की संधि बेटा, ठीक है ना। तो शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो जाती है, लेकिन शिवाजी ने अपना एक ऐसा मंत्रिमंडल बनाया जिसको बोलते थे बेटा अष्ट प्रधान। क्या बोलते थे, अष्ट प्रधान, ध्यान से सुनना, यहां पे मैं लिख रहा हूं अष्ट प्रधान। ये शिवाजी का मंत्रिमंडल है बेटा। इस मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा जो पद है, पोस्ट है, वो पेशवा है। आप लोगों ने सुना होगा पेशवा बाजीराव। देखो बाजीराव फर्स्ट एक ऐसा पेशवा जिसने दिल्ली पर अटैक किया था 1737 में। दिल्ली पर अटैक करने वाला मराठा कौन था, पेशवा बाजीराव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है, सबको नोट करते हुए आपको चलना है। थोड़ा सा मैं आपको ये और बताऊं, मराठों और अंग्रेजों के बीच में तीन युद्ध हुए हैं जिनको आंग्ल मराठा वोर बोला जाता है बेटा। ये कब कब हुए थे सुनिए ध्यान से, 1775 से 1782, ये था फर्स्ट आंग्ल मराठा वोर, ठीक है। दूसरा कब हुआ था बेटा, दूसरा हुआ था 1803 से 1805, ठीक है, दूसरा युद्ध था। तीसरा कब हुआ था, 1816 से 1818। ये तीन युद्ध हुए हैं अंग्रेजों और मराठों के बीच, जिसमें मराठे हार गए और पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य किसके हाथ में चला गया, ये चला गया पूरा अंग्रेजों के हाथ में इन तीन युद्धों के बाद, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई बेटा मराठों ने लड़ी अहमद शाह अब्दाली के साथ, ये कब लड़ी, 1761 में,
अहमद शाह अब्दाली और मराठे, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में जनवरी के महीने में सर्दी में लड़ी गई थी बेटा। ओके, कभी मैं ये क्लास बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये सर्दी में लड़ी थी और इसलिए मराठों की इसमें हार हुई थी। और इसका भी बड़ा रीजन था जो कि हमारे भरतपुर के जो जाट महाराजा थे, महाराजा सूरजमल ने मराठों को यहाँ पर बहुत समझाया भी था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और हार का सामना करना पड़ा। अंततः जाट सम्राट महाराजा सूरजमल ने ही मराठों की वहां से कुछ हद तक उनकी जान बचाई और अपने भरतपुर में उनको लेके आए, जहां उनकी जान बच पाई थी। लेकिन भरतपुर में कभी भी हिम्मत नहीं हुई थी अहमद शाह अब्दाली की अटैक करने की, क्योंकि वो जानते थे कि जो जाट महाराजा हैं सूरजमल, वो 80 लड़ाइयां लड़ चुके हैं और कभी भी एक भी नहीं हारे, तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भरतपुर में आके अटैक कर सकें। ठीक है, कभी मैं इतिहास की जो क्लास बताऊंगा तो मैं आपके सामने ये सभी के सभी पॉइंट, ये सभी फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। ओके, चलो बेटा ये करंट की क्लास है, थोड़ा सा मैंने रिलेट किया है मराठा राजवंश से, क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन ऐसा था, ये करंट का क्वेश्चन था, वाघ नख ये हिस्टोरिकल वेपन है बेटा एक, जो कि महाराष्ट्र का है, छत्रपति शिवाजी का, इसको अभी हाल फिलहाल लेके आया गया है ना, कुछ दिनों के लिए, लगभग 3 महीने के लिए इनको लेके आया गया है अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कहां पर प्रारंभ किया गया? वेयर हैज द इंडियन नेवी रिसेंटली स्टार्टेड द ह्यूमैनिटेरियन डिड एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज चक्रवात? तो बेटा ये कहां पर स्टार्ट किया गया? ये स्टार्ट किया गया बेटा गोवा के अंदर, गोवा है ना, तो गोवा के अंदर ये चक्रवात नामक भारतीय नौसेना के द्वारा चक्रवात हाल ही में ये एक्सरसाइज है, चक्रवात एक्सरसाइज स्टार्ट की गई बेटा नौसेना यानी भारत की नेवी के द्वारा रिसेंटली, अभी ये स्टार्ट किया गोवा के अंदर। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा की कैपिटल क्या है बेटा? पणजी। अब मैं गोवा की थोड़ी सी नदियां आपको बताऊं बेटा, गोवा की नदी है मांडवी, गोवा की नदी है मांडवी, और एक नदी और है जुआरी, जुआरी एंड मांडवी। गोवा की नदी है मांडवी और जुआरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मांडवी नदी के नाम से गोवा का नृत्य, एक फोक डांस भी है जहां पर, उसको बोलते हैं मांडी, मांडी फोक डांस, मांडी नृत्य कहां का बेटा? गोवा का है। ओके, गोवा के अंदर भारत का सबसे ऊंचा बड़ा चर्च भी है गोवा के अंदर, ये भी बच्चे ध्यान रखना, गोवा के अंदर। गोवा का जो सीपोर्ट है बेटा उसका नाम है मार्मागोवा, गोवा का जो सीपोर्ट है उसका नाम है मार्मागोवा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए गोवा के, चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेगा डिफेंस इवेंट इस टेक 2023 का आयोजन कहां पर किया गया बेटा? वेयर विल द मेगा डिफेंस इवेंट इस टेक 2023 बी हेल्ड? तो बेटा ये कहां पर किया गया? गुवाहाटी के अंदर किया गया बेटा, अपने हथियारों के लिए, ठीक है, डिफेंस इवेंट था ये, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हथियारों के लिए ये डिफेंस इवेंट था। कहां पर था ये गुवाहाटी के अंदर था बेटा। गुवाहाटी इन विच स्टेट? तो बेटा गुवाहाटी है असम के अंदर। कहां पर है? असम के अंदर गुवाहाटी है बेटा, ध्यान रखना, असम के अंदर गुवाहाटी है। और असम की बात की जाए तो हम असम के जो नेशनल पार्क है में जरूर पढ़ेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। असम के अंदर बेटा जो क्लासिकल डांस है वो सत्रीय है, सत्रीय क्लासिकल डांस बेटा सत्रीय, ये असम का है। असम के ही अंदर, असम का जो प्राचीन नाम है बेटा वो क्या है? कामरूप, कामरूप। और असम के अंदर बेटा जो मंदिर है वो कौन सा? कामाख्या, कामाख्या देवी, कामाख्या देवी टेम्पल है बेटा असम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, रिवर आइलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मजुली, दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड भी उमानंदा, ये भी असम के अंदर है बेटा। ओके, असम के अंदर इतने सारे पॉइंट है। असम की जो ट्राइब है बेटा, मेन ट्राइब वो है बोडो ट्राइब, बोडो जनजाति असम की है, जो कि अभी कुछ समय पहले जंतर मंत्र पर धरने पर ये लोग बैठे थे, अपने लिए अलग से बोडो लैंड की डिमांड ये लोग कर रहे थे, है ना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। असम के अंदर चाय सबसे ज्यादा होती है, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी है, बहुत बड़ी नदी है, उसी ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली आइलैंड है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसी में उमानंदा दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है,
है ना, ये सभी पॉइंट्स आपको साथ में नोट करते हुए चलने हैं, सबको नोट करना है, क्लास को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो और सभी पॉइंट आप साथ साथ में नोट करते हुए चलना है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मारोग सुरंग प्रारंभ की गई है? बेटा ये जो सुरंग है, ये जो टनल है, ये कौन से राज्य में स्टार्ट की गई है मारोग के नाम से? ये जम्मू कश्मीर, बेटा ये जम्मू कश्मीर में स्टार्ट की गई है और जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के वहां पर एक नेशनल हाईवे है NH 44, ये भारत का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे बेटा, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लॉन्गेस्ट जो हाईवे है NH 44 है, इसी के अंदर है बेटा ये सुरंग, इसी के अंदर बताई जाती है मारोग टनल, जो कि 395 मीटर की लंबाई की इसकी बताई जाती है NH 44 के अंदर जम्मू कश्मीर में बेटा। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू कश्मीर के जो ट्राइब्स हैं वो हैं बकरवाल, सुनिए ध्यान से, बकरवाल, बकरवाल, दूसरी कौन सी बेटा, चांगपा, चांगपा। जम्मू कश्मीर के अंदर बेटा नेशनल पार्क कौन से हैं? किश्तवाड़, किश्तवाड़, डाची ग्राम, ठीक है, सलीम अली, सुनिए मैं बोल रहा हूं साथ साथ, बकरवाल, चांगपा, वहां पर जनजाति है, किश्तवाड़, डाची ग्राम, यहां पर कौन से हैं नेशनल पार्क हैं? किश्तवाड़, डाची ग्राम और सलीम अली यहां पर नेशनल पार्क हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर झीलें कौन कौन सी बेटा? वूलर लेक, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बेटा वूलर, वूलर, वूलर लेक, और वहां पर एक डल लेक भी है बेटा, डल झील, जिसमें शिकारा या हाउस बोट चलती है। यहां पर बेरी नाग झील है, शेष नाग झील है, अनंत नाग झील है और नागिन भी झील है बेटा, नाग नागिन के नाम से जो भी लेक्स आए जम्मू कश्मीर में कर देना, डल झील जम्मू कश्मीर में कर देना, वूलर झील जम्मू कश्मीर में कर देना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील, ये भी जम्मू कश्मीर में आप लोग कर देना। बकरवाल, चांगपा यहां पर ट्राइब है, किश्तवाड़, डाची ग्राम और सलीम अली यहां पर नेशनल पार्क हैं। ओके, यहीं पर सबसे लंबा नेशनल हाईवे भारत का NH 44 जहां से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक जाएगा, लगभग 3750 किलोमीटर इसकी लेंथ आपको यहां बताई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीर महल जल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? ये जो आपको चित्र दिख रहा है ना, ये है नीर महल बेटा, ये नीर महल कहां का? ये त्रिपुरा का है, त्रिपुरा की राजधानी क्या? अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी है बेटा अगरतला, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी। अब त्रिपुरा के बारे में एक फैंटास्टिक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, त्रिपुरा बेटा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा है, बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसका नाम है बेटा त्रिपुरा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा त्रिपुरा। ये जो नीर महल जल महोत्सव है ये अभी 3-4 दिन के लिए वहां पर चलेगा, है ना, मछुआरों को बुलाया जाता है और इस इवेंट की जो मेन जो शोभा होती है वो होती है नौका दौड़। कौन सी होती है बेटा? नौका दौड़। इसके लिए मछुआरे वगैरह स्पेशल वहां पर बुला लिए गए हैं, तो ये 3-4 दिन के लिए जो फेस्टिवल है वहां पर चलता है जिसका नाम है नीर महल जल महोत्सव, त्रिपुरा की अंदर है, अगरतला इसकी कैपिटल होगी। ओके, बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा राज्य है त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व डाक दिवस बेटा मनाया गया अभी 9 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को मनाया गया। और विश्व डाक, अपना जो विश्व डाक दिवस अभी कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को मनाया गया, लेकिन इसका जो बेटा डाक सप्ताह मनाया जाता है, डाक वीक मनाया जाता है, वो 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक मनाया जाता है, है ना, 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक मनाया जाता है। भारत में पहला डाक ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जो था वो कब स्टार्ट किया गया था बेटा? 1774 में कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता के अंदर। पूरे विश्व में हर साल 150 से ज्यादा लोग इस विश्व डाक दिवस को मनाते हैं, अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट इसको करते हैं, 150 से ज्यादा लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। भारत में पहला डाक ऑफिस वो था 1774 में खोला गया था, कलकत्ता में इसको खोला गया था। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बातें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अभी रसबली मिठाई किस राज्य की है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? बेटा रसबली मिठाई कौन से राज्य की है? रसबली स्वीट ऑफ विच स्टेट हैज गोट जीआई टैग, ज्योग्राफिकल जो इंडिकेशन है वो कौन से मिठाई को दिया गया बेटा? ये है रसबली मिठाई, जैसा कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही
रस भरी होती है और ये उड़ीसा की है बेटा, ओडिशा की रसभरी मिठाई है। और इसलिए हम ओडिशा के स्टैटिक पॉइंट यहां पर डिस्कस जरूर करेंगे, काफी अच्छे पॉइंट है बेटा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये जो जीआई टैग है ना बेटा, ये दिया जाता है अपने क्षेत्र में कोई भी चीज फेमस हो तो इसको जीआई टैग दिया जाता है उस क्षेत्र की उस चीज को, है ना। तो ओडिशा की बात करते तो ओडिशा में टेम्पल्स है बेटा जगन्नाथ, ठीक है, लिंगराज, कोणार्क, ये तीन टेम्पल हैं, वर्ल्ड फेमस टेम्पल है बेटा ओडिशा के अंदर। ओडिशा में भारत का सबसे लंबा डैम है बेटा हीरा कुंड डैम है, किस नदी पर है बेटा, महानदी पर है। महानदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है बेटा कटक, कौन सा, महानदी किनारे सबसे बड़ा शहर है कटक। महानदी पर भारत का सबसे लंबा डैम है हीराकुंड डैम। ओडिशा के अंदर जो ओडिसी वहां पर नृत्य है बेटा, ओ डी सी, ये क्लासिकल डांस है बेटा ओडिशा का, ओ डी सी, उड़िया वहां की भाषा हो जाएगी, ओडिशा की भाषा उड़िया है ना, राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। ओके, तो ये सभी पॉइंट हो गए ओडिशा के, स्टैटिक पॉइंट हो गए बेटा कंप्लीट। ओडिशा में सबसे लंबी नदी महानदी है जिस पर हीराकुंड डैम बना है। ओडिशा की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगी बेटा ब्रह्माणी, ब्रह्माणी। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला बेटा। ये काजू जो होता है ना, काजू का जो ये फ्रूट है एक प्रकार से, इसको अभी जीआई टैग मिला, कौन से राज्य का बेटा ये गोवा राज्य का है। गोवा राज्य का जो काजू उसको जीआई टैग अभी दे दिया गया है। गोवा के बारे में पॉइंट डिस्कस हम कर चुके हैं। गोवा की नदी कौन सी है, गोवा की नदी है बेटा मांडवी और जुआरी। गोवा का नृत्य कौन सा है, मांडी। राजधानी कौन सी है, पणजी, है ना। गोवा का जो सीपोर्ट है, बंदरगाह कौन सा है बेटा, मारमा गोवा, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन है बेटा गोवा के। जो पुर्तगाली आए थे ना इंडिया में, जो सबसे पहला पुर्तगाली आया था, फर्स्ट पुर्तगीज पर्सन कैम टू इंडिया, वो थे वास्को डी गामा इन 1498। वापस कब गया था बेटा, वापस गया था 1499 में। कहां से वापस गया था, गोवा से आया था, केरला में कालीकट बंदरगाह में, वहीं से एंटर हुआ था इंडिया में। लेकिन इंडिया से वास्को डी गामा कब गया, 1499 में, और कहां से गया, गोवा से होते हुए गया था बेटा, यही गोवा, ठीक है ना। और गोवा से होते हुए गया, यहां से क्या लेके गया, काली मिर्च लेके गया सबसे ज्यादा। और काली मिर्च को अपने देश में उसने 60 टाइम ज्यादा मुनाफे में बेचा। यहां से मान लो एक रुपये की एक किलो ले गया, अपने देश में 60 रुपये की किलो उसने बेची है, 60 टाइम मुनाफा उसने ज्यादा कमाया था, इसलिए दोबारा से फिर आया था 1502 में, है ना। चलो ये तो बातें होगी खैर हमारी हिस्ट्री की गोवा से रिलेटेड। अभी बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है। तो बेटा हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता सऊदी अरब के साथ भारत ने कर लिया है। सऊदी अरब की जो राजधानी बेटा वो है रियाद, ठीक है। करेंसी कौन सी बेटा, रियाल, रियाल, सऊदी रियाल वहां की करेंसी है, राजधानी है रियाद। और क्राउन प्रिंस कौन है बेटा, सुलेमान। क्राउन प्रिंस है बेटा मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, ये क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। राजधानी रियाद, करेंसी है रियाल, सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान, राष्ट्रपति जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ काफी अच्छे ताल्लुकात बताए जाते हैं, है ना। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है बेटा मोहम्मद बिन सलमान, रियाद, जिनसे अभी हरित हाइड्रोजन के लिए अभी समझौता हुआ है। हरित हाइड्रोजन बेटा जो सोलर एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, वाटर, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, उनसे जो प्राप्त होती है एनर्जी, जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है वो इसमें इसके काम में आती है बेटा, है ना। तो उसके लिए समझौता किया गया है बेटा, कौन से थे, सऊदी अरब से, मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस से। ओके क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहला सौर ऊर्जा शहर बनेगा। तो बेटा ये बनेगा अयोध्या, अयोध्या बनेगा। अयोध्या किस नदी के किनारे बेटा, सरयू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अयोध्या किस नदी के किनारे बेटा, सरयू नदी के किनारे है। आज के क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं, आज का सेशन हमारा बिल्कुल कंप्लीट। सभी क्लासेस को बेटा लाइक और शेयर करते रहिए, है ना। बच्चे सभी पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करना है विद स्टैटिक पॉइंट। ओके क्लासेस को लाइक और शेयर कीजिए बेटा। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने।